आरसीबी वर्सेस केकेआर आईपीएल 2024 कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुक्रवार को एएम चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने नाबाद 83 रनों की बदौलत ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दमदार शुरुआत का फायदा उठाते हुए 16 ओवर 5 गेंद में 3 विकेट पर 186 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। 183 रनों में लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने राइडर्स को फिल शॉर्ट और सुनील नरेन ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। सुनील नरेन ने 22 गेंदों में 47 रन और फिलिप शॉर्ट 20 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर 30 गेंद में 50 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 24 गेंद में 39 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 5 रन बनाए। इससे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए। बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 83 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान फाफ डुप्लेसी 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। कैमरन ग्रीन ने 21 गेंद में ताबड़तोड़ 33 रन बनाए। स्टार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने 19 गेंद में 28 रन की पारी खेली। रजत पाटीदार का बल्ला खामोश रहा है, कोलकाता के खिलाफ 3 रन ही बना सके। अनुज रावत ने सिर्फ 3 रन बनाए। दिनेश कार्तिक 8 गेंद में 20 रन बनाकर आखिरी गेंद पर रन आउट हुए। विराट कोहली ने 59 गेंद में नाबाद 83 रन बनाए। अपनी पारी ने उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के ही लगाए। कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। तो आप भी विराट कोहली को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।